फिस का किया, तो इस मामले में क्या है? तो एक औरत एतिकाफ में बैठी और हैज आ गया, तो वो फौरन मस्जिद छोड़कर निकल जाएगी और एतिकाफ खत्म कर देंगी, सिवाय इसके कि अब बैठी थी और एतिकाफ में और आ गया और फिर दो चार पांच दिन चला, फिर उसको फिर अय्या मिल रहे हैं, फिर पाक होके आ जाए। जैसा भाई आज बैठी थी रात में और हो गया, चार पांच दिन हैज हुआ, फिर पाक होगी, फिर आ जाए, वो एक अलग मसला है। लेकिन जब हैज आ जाएंगा अंदर नहीं रुकेंगी, वो अपनी नीयत ख़त्म करके निकल के आ जाएंगी। लेकिन अच्छा, इसकी कोई ख़ज़ा नहीं है, इस एतिकाफ़ी को ख़ज़ा नहीं के बाद में हम करें, नहीं, ये एतिकाफ़ी कोई ख़ज़ा नहीं है, याद रखिए, इस एतिकाफ़ी कोई ख़ज़ा नहीं है, इस बात को याद रख लीजिए। और अगर कोई नज़र का एतिकाफ़ मांगा था, नज़र का एतिकाफ़ मन्नत, तो और उसमें ऐसा हो गया दस दिन में बैठूंगी और उसमें हो गया, उसमें तीन दिन बैठी थी, तो वो जाएंगी पाक होकर फिर बैठना पड़ेगा, ताकि वो मन्नत थी तो बाकी के सात दिन पूरे करेंगे। लेकिन मन्नत का एतिकाफ़ नहीं है, रमज़ान का नफली या सुन्नत वाला एतिकाफ़ है, तो इसको छोड़ देंगी और चली जाएंगी, उस पर कोई कफ़ारा नहीं, कोई फिदिया नहीं, उसको कुछ भी नहीं करना है, याद रखें, ठीक है। इसी तरह कुछ आलात। अस्सलामु अलैकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल हासिल करने के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बने। रोज़ाना हमारे नए वीडियोस पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।